हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नंबर एक्स इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर टेन सॉल्व करेंगे जो क्लास टेन साइंस चैप्टर टेन से लिया गया है क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ टेन सेंटीमीटर ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म एज पर क्वेश्चन लेंस का फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर अवे रखा गया है ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर हमें तो इसका रे डायग्राम बनाना है फर्स्ट यदि बी से पैरल रे इमिट होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो यहाँ तक आएंगे फिर यहां से रिफ्रैक्ट होकर फोकस से पास करेंगे दूसरी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करा सकते हैं जहां पर ये दोनों रे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहीं पे इमेज फॉर्म होगा ये इमेज इनवर्टेड और रियल होगा हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर यू की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव ट्वेंटी सेंटीमीटर क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है फोकस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में जाके पास कर रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव फाइव सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अब हमने लिया है हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ बी दैट मीन्स इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना है उसकी हाइट कितनी है और मैग्निफिकेशन क्या है हमें लेंस फॉर्मूला पता है इसमें यदि मैं 1 ओवर v कैलकुलेट करूं तो यह हो जाएगा 1 ओवर u plus 1 बाय a अब मैं u और v की कोरिस्पोंडिंग वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे 1 बाय v मिलेगा 3 अपॉन 50 इससे v हो जाएगा 50 ओवर 3 सेंटीमीटर इसका मतलब v आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है यानी ऑप्टिकल सेंटर से 50 अपॉन 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस अवे इमेज फॉर्म होगा आपको ये भी पता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इक्वल्स होता है रेशियो वी अपॉन यू यहाँ पे वी और यू की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे हम साइन के साथ और हमें मिलता है निगेटिव टू थर्ड इसका मतलब जो इमेज है वो टू थर्ड होगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के नेगेटिव साइन डिनोट करता है कि इमेज रियल है फर्दर इससे आप हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हो जाएगा निगेटिव टू टाइम्स सेंटीमीटर यहाँ पे फाइव सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की हाइट इससे कैलकुलेट करने के बाद इमेज की हाइट हो जा रही है सेंटीमीटर इस तरह से 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 हमें हमें मिलता है M की वैल्यू साइज मिलता है और नेचर ऑफ इमेज निगेटिव साइंस से पता चल जाता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे थैंक यू